हुकूमत पुलिस और नैब गर्दी में मसरूफ है। ओपोजिशन को दहशत गर्दी के मुकदमात में उलझाने की कोशिश की जा रही है। राणा सनाउल्लाह के पीटीआई सरकार पर वार, कहा मुल्क में लूट मार का दौर चल रहा है लेकिन हुक्मरानों को कुछ इल्म ही नहीं। चीनी और आटे की कीमतों में होशुबा इजाफा, अद्वियात भी लोगों की पहुँच से दूर हो गए हैं। यानी ये हुकूमत जो है ये अपोजिशन को दहशत गर्दी के मुकदमात में जो है वो उलझाना चाहती है, नैब गर्दी कर रही है और इसे इसके अलावा इसे ये बिल्कुल कोई खबर नहीं और ना इसकी रिट है कि चीनी जो है वो इस वक्त भी 110 रुपए में जो है वो बिक रही है और पिछले 1.5 साल से चीनी माफिया जो है वो अरबों रुपया जो है वो आम आदमी जी की जेबों से जो है वो लूट चुका है। 35 रुपए जो किलो जो आटे का रेट था इस वक्त 70 से 80 रुपए के दरमियान है। अद्वियात जो है वो 4 से 6 गुना ज़्यादा उनमें जो है वो इजाफा हो चुका है। वो जिस आदमी ने, जिस मिनिस्टर ने 5 अरब रुपया जो है वो रिश्वत ली थी उसे सिर्फ चंद दिन के लिए वजारत से हटाया गया, दोबारा उसे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है वो बनाया गया। यानी इस तरह से पूरे मुल्क में लूट मार का जो है वो दौर चल रहा है। आम आदमी जो है वो परेशान है, आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल है और ये हुकूमत जो है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस गर्दी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ नैब गर्दी कर रही है।